जी सर, जी सर, नहीं नहीं हम सर कर रहे हैं, हम उसी केस में। सर, समवन किडनैप माय लव, माय ब्रो, माय लाइफ। वेट वेट वेट, राजा, ओ राजा। यस सर। भाई पहले तो हम चाइना के लोग देखते थे रोड पर फिरते थे, अब ये अमरीकी भी, तुम लोग वहां बैठे रहते हो देखते नहीं हो कौन घुसा चला रहा थाने के अंदर, इससे पूछो कौन है क्या बोल रहा है। नेम नेम, माय नेम इज जेसी, आई केम फ्रॉम लंदन। Mean water? No water. Please lodge an FIR. Someone kidnapped my love, my life, my Mokembo, my son. Slowly, slowly. Someone kidnapped my love, my life, my Mokembo. अबे क्या बोल रहा है ये? अरे सर, ये कह रहा है कि उसका भाई और उसका बेटा मुकेम्बो नामी शख्स ने अगवा कर लिया। नहीं भाई, मेरे मुकेम्बो को किडनैप किए हैं। खड़ा हो जा बे। तुझे उर्दू आती? तो फिर तू क्या हमारे इंग्लिश में इम्तिहान ले रहा था? इसको लाकर में डाल दे। नहीं मैं घबरा गया था, आई एम सॉरी, आई जस्ट केम फ्रॉम लंदन, आई डोंट नो हाउ बट द प्रोसीजर, प्लीज डू समथिंग, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। बैठ। तुम्हारे पास किसी किडनैपर का फोन आया? कॉल तो नहीं आए हैं। एक बात तो बता, ये मुकेम्बो कोई बच्चे का नाम रखता है? मुकेम्बो मेरा डॉग है। डॉग? अबे तू तो बोल रहा था कि इसके बाप भाई को किसी मुकेम्बो ने अगवा कर लिया, ये तो कुत्ते की बता रहा है। सर, जितनी मुझे अंग्रेजी आती थी उतनी मैंने आपको बता दी। मुअत्तल करा दूंगा तेरे को मैं। देखो बेटा, इस कुत्ते की गुमशुदगी का इश्तहार दे दो और इस पर कुछ इनाम रख दो, ये बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, जो मेरा मुकेम्बो को ढूंढेंगे मैं उसको 1,00,000 रुपए देंगे। ठीक है, तुम हमको पैसे दो, हम तुमको कुत्ता ढूंढ के देता है। अबे चुप। देखो बेटा, आप कुत्ते की तस्वीर मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दो, मैं नंबर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं करते हैं, हम कर दिए। पर अगर मुकेम्बो नहीं मिले तो मैं सारे थाने की फोर्स उस कुत्ते के बच्चे को ढूंढने पर लगा दूंगा। हम उसको ऐसे ढूंढेंगे जैसे इंसान का बच्चा ढूंढते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। How sweet, so sweet of you. Thank you, Mr. Chocolate. Thank you so much. Oh, my love, my life, my Mokembo. कितना अच्छा बच्चा है, मेरे को चॉकलेट बोल के गया। सर, आपकी कलर की वजह से बोला होगा। चुप। कितना प्यारा है, क्या ये भी मेरी तरह तन्हा है? सेबी को इस दुनिया में प्यार नहीं करता, आज से मैं और तुम साथ साथ। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथ ही प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। चेरी मुजाहिद, अरे कहाँ चले गए सबके सब? बाप को फंसवाना हो तो सब आगे होंगे, अब जब प्रॉपर काम करने जा रहा हूँ तो किसी का पता ही नहीं है। चेरी चेरी, अरे हशू, ये क्या शोरगुल मचा रखा है भाई? अरे ये क्या डाकखाने में नौकरी मिल गई है? जरूर वहाँ पे भी कोई पैदागिरी होती होगी भाई। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये तुम्हें डाकिया का ड्रेस लग रहा है, ये मेरे नाना का ड्रेस है। अच्छा तुम यूँ बोला ना, नाना डाकिया थे। पागल हो गई हो तुम, खाली डाकिया ये ड्रेस नहीं पहनता, मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम शुरू किया, लोगों को घर बैठे बकरा सप्लाई करेगी हमारी कंपनी। अरे कहाँ है ये कंपनी, मुझे भी मैनेजर के तौर पे रख लो। अरे अम्मा, कोई कंपनी वंपनी नहीं है, फिर किसी को चूना लगाएंगे ये? लड़की तमीज से बात करो, रुकैया ये कौन सी जबान होती है, चूना लगाएंगे हम क्या कोई पान वाले, हम तो सीईओ है। ये कौन होता है? ये अपनी कंपनी का सबसे बड़ा एम्प्लॉय होता है, ये हर किसी के काम पे नजर रखता है और हमेशा बड़े फैसले करता है। यानी कुछ नहीं करता, और हाँ, अपनी ये डेजिग्नेशन अपनी कंपनी तक ही महदूद रखिएगा, हम पर मुसल्लत करने की कोई कोशिश ना करिएगा। कोई तुम पे कुछ मुसल्लत नहीं कर रहा, तुम लोगों पे पहले ही शैतान मुसल्लत है। अच्छा हुआ बहरोज बेटा तुम आ गए। ये बताओ, शहरी और मुजाहिद को देखा है तुमने कहीं? जी जी अबू। कहाँ देखा बेटा? ख्वाब में देखा, ख्वाब में मैंने ये देखा कि मैं एक अंधेरी गुफा में हूँ और उसी गुफा में उन दोनों ने तुम्हें दफन कर दिया। अरे नहीं नहीं पापा, ख्वाब कुछ यूँ था। बस करो भाई, ख्वाब सुना रहे मुझे, चलो मेरे साथ। कहाँ पापा? एक सवाल भी तुमने और पूछा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हर बात पहले से जानने की जल्दी होती है आजकल के बच्चों को। बहरोज कहीं नहीं जाएगा। अरे हशू, मुझे भी ले चलो ना अपना मैनेजर बना के। नहीं नहीं, तुम्हारा वहाँ पे कोई काम नहीं है, चलो बहरोज देर हो रही है, चलो आ जाओ, आ जाओ। अच्छा बेटी, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। देखा अम्मा, फिर ले गए बहरोज को। अरे बिस्मा, मेरी बच्ची नाराज क्यों होती है, हशू के साथ गया है, जरूर कुछ कमा कर ही लाएगा, कमा ही ना ले। लो सुल्तान, इस बार बकरीद मैं अपने घर में मनाऊंगी। अरे अपने घर में कैसे मनाओगी, घर अभी बना कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे बकरीद अपने घर में मनानी है बस। अरे भाई अभी तो खाली पिलर डले, क्या पिलरों के बीच में खड़ी होकर ईद मनाओगी तुम? क्या 2 साल में सिर्फ पिलर ही खड़े हुए? सुल्तान आप घर बना रहे हैं लियारी एक्सप्रेस वे,
अरे बेगम, वो मैंने मजदूरों से पूछा था, उन्होंने कहा है टाइम लगेगा, मैं दोबारा पूछ के आपको बता देता हूँ, आप परेशान ना हो भाई। पूछना नहीं है, उनको बोलो जल्दी बनाएं घर, और हाँ अपने साथ दो चार किराए के गुंडे भी लेके जाइएगा ताकि आपका रोब बढ़े। अरे मुझे क्या हशमत अंकल बना रही हूँ क्या, किराए के गुंडे लेके जाऊँ? क्या हो गया है बेगम तुम्हें? मैंने उनसे पूछा है बस जल्दी बन जाएगा घर, आप परेशान नहीं हो, मैं सीधा सीधा पूछ सकता हूँ, ये सब फट्टे वट्टे मैं नहीं कर सकता भाई। सुल्तान ये चिट्ठी आप ही खाइए। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। शाबाश, गुड बाय गुड बाय, नॉटी बॉय, नो नो, इधर कम इधर, यस यस यस, गुड गुड बॉय गुड, टॉमी इधर सिट, टॉमी इधर सिट सिट, इधर सिट, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, शाबाश इधर ही बैठना, हिलना नहीं बिल्कुल, टॉमी गुड बॉय। नए कपड़े पहन कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए? सुबह सुबह कौन से सिंगर की रूह तुम्हारे अंदर आ गई है? एक्चुअली बेगम, हर इंसान के अंदर एक सिंगर मौजूद होता है, बस उसे बाहर निकालने से डरता है। अगर एक मिनट के अंदर तुम ऑफिस नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज से बुरा वाकई कोई हो ही नहीं सकता। जा रहे हो कि नहीं जा रहे? नहीं लगा। ओके बेगम, मैं चलता हूँ, सी यू लेटर, बाय। क्या हो गया? चोर आ गए, छापा पड़ गया, हशमत अंकल मर गए, क्या हुआ? कुत्ता, कुत्ता घर में? बचा बचा, काट लेगा काट लेगा काट लेगा। नहीं नहीं बुरी बात नहीं, टॉमी इधर कमेर कमेर, सिट सिट। शेरी, इस कुत्ते को फौरन बाहर निकालो। मेरा कुत्ता है और ये यही रहेगा, तुम्हें क्या मसला है? अरे क्या शोरगुल मचा रखा है, क्या हशू आ गए? हशमत अंकल नहीं आए, ये शेरी इस कुत्ते को लेके आ गया है। ये कुत्ता कहाँ से आ गया घर में? अम्मा मुझे बहुत डर लगता है कुत्ते से, फौरन निकाले से। है ये कैसा कुत्ता है भाई? अरे भाई इस घर में पहले ही क्या जानवर कम थे जो ये कुत्ता और लेके आ गए? अरे सुल्तान तू अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो इसे कुत्ते से कटवाऊंगा। शेरी निकालो जंगली कुत्ते को यहाँ से। ये जंगली कुत्ता नहीं है, बड़ा नस्ली कुत्ता, मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों टॉमी? अब यही बाकी रह गया था कि ये कुत्ता तुमसे प्यार करे। ओ फिरोज समझा ले अपनी बेगम को, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। फिरोज यहाँ कहाँ है? तौबा तौबा, शेरी कुत्ते के साथ रहकर कुत्ते जैसी हालत हो गई तुम्हारी। सुल्तान, अरे मुझे तो ये कोई और ही मखलूक नजर आ रही है। लगता है तुम सबको समझाना पड़ेगा। टॉमी काट इस रावण नुमा शख्स को, काट। शेरी दिमाग खराब हो गया क्या आपका? टॉमी कम ऑन काट इसको, कम ऑन टॉमी काट काट। कुत्ता भी इनकी नहीं सुन रहा भाई, तेरी तो जबान खींचनी पड़ेगी बेटा। पता नहीं तुम किसका कुत्ता चोरी करके ले आयो, निकालो से यहाँ से। किसी का कुत्ता चोरी करके नहीं लाया, ये मेरा कुत्ता है, मैंने खरीदा इसे और इसका नाम टॉमी है, टॉमी। कपड़े तो फिरोज के पैसे से खरीदते हो, कुत्ता का खाक खरीदोगे? जल ले हो तुम सब, जल ले हो। आए हम क्यों जलने लगे, अब देखना हशू आएंगे इस कुत्ते को वही घर से बाहर निकलवाएंगे। देखता हूँ किस माई के लाल में इतना दम है कि इस टॉमी को निकाले यहाँ से, ये मेरा कुत्ता और यही रहेगा। चलो टॉमी कम ऑन आ जाओ, चलो चलो तुम भी चलो, ये सब जाहिल इधर आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बाहर ही रखना इसे। तो हशमत अंकल पता नहीं कहाँ ले गए भैरोज को। देखो बेटा जिस हिसाब से गाय गोबर देती है, अगर हम गाय के डांपर का बिजनेस शुरू करें तो तुम्हें क्या लगता है क्या ये बिजनेस चलेगा? दुड़ेगा बाबा दुड़ेगा। चलो भाई अब ये बिजनेस शुरू करने का वक्त आ गया है, हर गाय की कम से कम एक अच्छी तस्वीर ले लो ताकि हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाए। पापा मैं स्लोमो पे शूट करूंगा। वो क्या होता है पापा, इससे सब ना स्लोली स्लोली हो जाता है। नहीं कुछ स्लोली स्लोली करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फास्ट करो, वेरी क्विक फास्ट फास्ट। हाँ भाई क्या मंजन है? नहीं कोई मंजन नहीं है, बच्चा गाय की तस्वीरें खींच रहा है। तस्वीरें खींचना मना है। किसने मना किया है? मैंने। यार छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ इस जानवर के क्या मांग है? इस गाय की कीमत 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख इस जानवर के, पागल तो नहीं हो गए? इसमें क्या खास बात है? मरगला पहाड़ के पीछे रहती है। अब 5 मिनट में तुम भी पागल हो गए, उठाओ में रहती होगी।
नहीं नहीं बहुत ज्यादा कीमत बता रहे हो तुम, 60-70 हजार से ऊपर का जानवर नहीं है। अरे जाओ बुड्ढे, दिमाग खराब नहीं करो, निकलो। ये ठीक है तुम्हारी, मुझे बुड्ढा बोल रहे हो? और बहरो तुम क्या है कि गाय की इतने एंगल से तस्वीरें ले रहे हो, एल्बम बनाओगे इसकी? अरे पापा हर फेस के 360 एंगल होते हैं, क्या पता ये किस एंगल से खूबसूरत लग जाए। ये बात तुम्हें किसने बताई? पापा ये बात है ना, मैंने फेसबुक की पोस्ट पर पढ़ी थी। लाना था फेसबुक तो। तुम बताओ भाई आखिरी किस दाम में छोड़ोगे? अरे जाओ बड़े मियां, दिमाग खराब नहीं करो, वैसे ही दिमाग खराब हुआ भाई, जाओ। मैं पता है मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूँ, ये देखो मेरा कार्ड। देखा नहीं यार, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास क्या गाय के पेपर्स है? नहीं। नंबर प्लेट? नहीं। चेसिस नंबर? नहीं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? ये क्या होता है? अगर तुम्हारी गाय की टक्कर से कोई शख्स जख्मी या हलाक हुआ तो किसकी जिम्मेदारी होगी? गाय की। नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मिस्टर बैरोस फौरन कॉल करें, ट्रक बुलाएं, सारे जानवर अपलोड कराएं, सब खजाने में जमा होगा। यस सर। अरे अरे साहब, नहीं नहीं नहीं, सरकारी काम में मुदाखलत। अरे साहब आप मिस्टर बैरोस फोन कर रहे हैं? साहब आए यार, मैं फोन करता हूं। समझाएं बाड़े, एक मिनट। अरे अरे साहब आए बाड़े, दूध पत्ती चाय पिलाता हूं यार, साहब को समझाओ यार। हाँ भाई, अब बताओ क्या मांग रहे हो उस जानवर के? अरे साहब आप ले जाओ, 70,000 दे देना, आप ले जाओ। बस यही सुनना चाह रहा हूँ। देखो बेटा, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। सच बात यह है कि मैं कोई सरकार के अफसर नहीं हूँ, तुमसे असली कीमत पता करने के लिए मैंने झूठ बोला। अब वो रहा कैमरा, हाथ हिला, आ जाओ बैरोस बेटा, आ जाओ, छतरी दे दो। कहाँ है कैमरा? ओ पकड़ो इसको, मेरी छतरी ले गया, ओ पकड़ो इसको। जिंदगी भर अगर वो कुत्ता इसी घर में रहा तो तुम कभी ऑफिस नहीं जाओगे। बेगम, वो कुत्ता शक्ल से इंतहाई वाहियात भूखा प्यासा लग रहा था, मुझे यकीन है कि मुझे देखते ही खा जाएगा। एक मिनट के अंदर अगर तुम ऑफिस नहीं गए तो वो कुत्ता शहरी से बोल के इसी कमरे में मंगवा लूंगा। ऐसा पिला दे जिससे रूह को ताजगी मिल जाए। नहीं नहीं, बस घर आने वाला है और वैसे भी बाहर की चीजें खा पी के पेट खराब हो जाता है। अरे पापा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप करने क्या जा रहे हैं? तुम्हें तो सिर्फ बिस्मा की बात समझ में आती है। पर पापा, वो समझाती कितने प्यार से। मैं समझाऊं तुम्हें अभी प्यार से? दिमाग ज्यादा खराब हो गया। अरे ये देख, लोगों का कुत्ता खो गया तो लाख रुपए इनाम रख दिया, इंसान खो जाता है किसी को परवाह ही नहीं। अरे पापा, ये तो थाई नस्ल है, आपको पता है इसको पक कहते हैं? पक? अपनी नस्ल के बखार का कोई ख्याल ही नहीं है, कुत्ते की नस्लों की पूरी मालूम आता। चलो घर, लॉक लग रहा मुझे। अरे वो गूंगा फकीर नहीं था, वो सिर्फ गूंगा बनने की एक्टिंग कर रहा था। अगर तुम उसे पैसे नहीं देते तो मैं उसे 2 मिनट में बुलवा देता। पर पापा, वो एक्टिंग कितनी नेचुरल कर रहा था। लालत ऐसी नेचुरल एक्टिंग के ऊपर, बताओ जरा अधिकारी बने। अरे ये तो वही कुत्ता। नहीं नहीं पापा, ये वो नहीं है। अंधे हो गए हो तुम, वही कुत्ता। चलिए बेटा, आप कहाँ थे? नहीं, पार्क में टहलने गए था। अच्छा, इतनी कड़कती धूप में पार्क में टहलने की क्या जरूरत? और ये कुत्ता किसका उठा के लाए? अरे उठा के नहीं लाया। और आप कहाँ थे? हम तुम्हारी शादी के लिए लड़कियाँ देखने गए थे। बैरोस बेटा तस्वीरें दिखाओ। देखो देखो, आगे भी और है और। उड़ा लो मजाक, उड़ा लो। सिर्फ ये एक टॉमी है जो मुझसे मोहब्बत करता है। कुत्ते का नाम टॉमी तो नहीं था? हाँ, टॉमी तो नहीं था। फिर क्या नाम था? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे ये कुत्ता कितने का खरीदा आपने? पूरे 5,000। 5,000 का कुत्ता खरीदा है भाई? इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? वो पैसे अभी दिए थोड़ी है, वो तो मेरे एक दोस्त था, उसने मुझे ऐसी दान दे दिया। वाह, बड़े कमाल दोस्त है भाई, कुत्ते दान कर रहे। इज्जतदार दोस्तों में दोस्ती है मेरी, आपके दोस्तों की तरह नहीं है, मुजाहिद जैसे। देख रहा है, कह रहा है मेरे दोस्त लुच्चे लफंगे, यानी जिनके पास कुत्ता है सिर्फ उनकी इज्जत होगी, जिनके पास
पास कुत्ता नहीं, वो बेगैरत है क्या? टॉमी अटैक, टॉमी अटैक। ए ए ए, क्या नाम है इसका? नाम क्या है? गब्बर, 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 नीचे उतर, गब्बर। ए ए, और क्या नाम था? खलनायक, 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 ए खलनायक, नहीं नहीं, खलनायक नहीं था, कुछ और नाम था, कुछ और विलन बताओ। रोशिमानता, रोशिमानता, रोशिमानता भी नहीं था, तेजा है, तेजा है, ए तेजा भी नहीं है, क्या नाम था? वो वासीपुर वाले का नाम क्या था? रमाधीर, रमाधीर, ए रमाधीर, रुक जा, लेके जा इस रमाधीर को, लेके जा यहां से, लेके जा। चलो टॉमी, कम ऑन, चलो। पहचाना तुमने कुत्ते को? लेकिन पापा अब करना क्या है? करना क्या है, जाओ जाके पोस्टर फाड़ के लेकर आओ, उसमें उसके मालिक का फोन नंबर लिखा है, उसे फोन करेंगे, उससे 1,00,000 रुपए इनाम के वसूल करेंगे और कुत्ता उसके हवाले करके जान छोड़ा। वाह पापा वाह, क्या शैतानी दिमाग है आपका, बिल्कुल शैतानी चरखे की तरह घूमता है, कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। माँ ठीक है, बाप के दिमाग को शैतानी चरखा बोल रहे हो तुम? पापा सॉरी, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है अप्रिशिएट करने की, जाओ जाके नंबर लेकर आओ। बाजी बहरोज आ गया ना? तो फिर वो अब तक अंदर क्यों नहीं आया? भेज दिया होगा फिर किसी काम से। उफ, और ये कुत्ता कब जाएगा यहाँ से? तुमने मुझे कुछ कहा? नहीं भाई, कान बज रहे हैं तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने मुझे ही कुछ कहा है ना? पता नहीं। बताओ क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, हटो यहाँ से। ये मुझे ही कुत्ता बोल के गई है ना? अरे भाई, ये टॉमी को कुत्ता बोल रही थी जो कि कुत्ता है। अच्छा, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे, लेकिन इसके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। चलो तुम दोनों जाओ, मुझे टॉमी के लिए खाना बनाने, चलो यहाँ से निकलो, निकलो। चुप कर जाओ तुम, तुम और तुम्हारा कुत्ता। 2 घंटे दे रही हूँ, इस घर से लेके दफा हो जाना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जी तो नाजरीन, आपने देख ही लिया हुआ। खैर, तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टॉमी का खाना, जिसके लिए जरूरी होता है 1 अदद टॉमी। अबे टॉमी कहाँ गया? शाम से टॉमी नहीं दिखा। टॉमी, टॉमी! अगर ये मैंने ले जाकर पापा को दिया तो वो इनाम की सारी रकम खुद ही रख लेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इनाम की सारी रकम मेरी हो गई, ये बस। अब मुझे इस कुत्ते को छुपा कर रखना होगा, फिर मैं और मेरी विस्मा हनीमून के लिए थाईलैंड जाएंगे। विस्मा बेबी, विस्मा तैयारी कर लो। भाई 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 भाई, मुझे लिफ्ट दे दो, आगे तक छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे आगे तक छोड़ दो भाई। माय लाइफ, माय मुकेम्बो, माय डॉग, माय मुकेम्बो, आपने इसको कहीं देखे हैं? भाई वेयर इज, टेल मी, प्लीज टेल मी। ये आपका कुत्ता है? यस, दिस इज माय लाइफ। सुबह से खो गए, मैंने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करी है, नहीं मिल रहे हैं। आपने कहीं देखा है तो बताएं। मैंने देखा नहीं है। हाँ देखूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। बल्कि ये देखे, ये मेरे हाथ में पोस्टर इसीलिए ताकि मैं इसकी और ज्यादा फोटो कॉपी कराऊं और दूसरी जगह पर चिपका दूं। हाउ स्वीट, दुनिया से इंसानियत खत्म नहीं हुए हैं। आई मैं आपको लिफ्ट दे दूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज आई विल ड्रॉप यू, प्लीज। भाई हमारे अब्बा जान कहते हैं जिंदगी में खुद मुख्तार बनो, किसी से लिफ्ट डालो वरना लिफ्ट की तरह तुम ऊपर नीचे होते रहेंगे। व्हाट अ ग्रेट शॉट, कम कम विद मी, आई हैव टू ड्रॉप विद यू, कम कम विद मी, कम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, माय मुकेम्बो, माय लव, माय लाइफ। इस कुत्ते को निकालने का फौरन बंदोबस्त किया जाए, इसकी वजह से फिरोज कमरे में बंद है। अरे मैं क्या कर सकती हूँ, इस कुत्ते ने तो हशु को दूर कर दिया मुझसे। मैं वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल करूंगी, वही आके मारेंगे गोली इस कुत्ते को। पहली बात तो यह है कि वाइल्ड लाइफ वाले जानवरों पे गोली नहीं चलाते। दूसरी बात यह है कि कोई जरूरत नहीं है वाइल्ड लाइफ को फोन करने की, ये कुत्ता बहुत कीमती है। अरे इतना सा कुत्ता क्या कीमती होगा भाई? अरे रुकैया तुम्हें नहीं पता, मैंने शहरी को कुत्ते की हिफाजत पर लगा दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या शहरी कुत्ते की हिफाजत कर रहा है मेरी वजह से? सिर्फ पागल कर रहे हैं सबको घर में और कुछ भी नहीं है। ए लड़की तमीज से बात करो। बस कर दे, आपकी वजह से फिरोज ऑफिस नहीं जा पा रहा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा शौहर डरपोक है और दूसरा उसकी हड्डियों पर चर्बी चढ़ गई है। एटीट्यूड देखो जरा। वैसे अशु एक बात है, तुम पे बिल्कुल भी चर्बी नहीं चढ़ी, वैसी के वैसी हड्डियों का ढांचा हो भाई। तो मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी हटा रही हो? चाहे औरत। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे फाइनल डेट बताओ, ये कुत्ता इस घर से कब जाएगा? 12 अक्टूबर रात 12 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार हो जाएगा। क्या? मुझे क्या पता कुत्ता कब जाएगा, जब जाना होगा तो चला जाएगा। ए हशु ये बताओ मुझे,
तुम इस कुत्ते को भी कैच कराओगे हैं? तुमसे कोई जानदार बेजान चीज बची भी है? अरे कहाँ से सीखा है तुमने ये हुनर? सामरी जादूगर से सीखा है। तुम सामरी जादूगर को भी जानते हो? हाँ, हमारे किराएदार थे। मैंने जादू सीखने के बाद उसे घर से लात मार के निकाल दिया। दिमाग खराब कर रही है औरत, फालतू के सवाल जवाब करा लो बस इससे। सामरी जादूगर को भी जानते हो? आओ भैरोस, कहाँ रह गए थे भाई? इतनी देर करता है कोई? पोस्टर लाए हो? अरे पापा, मैं पोस्टर ले तो आया हूँ, मगर क्या मगर? अरे ये क्या, ये कैसे फट गया? अरे पापा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये पहले से ही फटा हुआ था। अरे तो बेटा, दीवार पे चार पोस्टर लगे हुए थे, वो उतार के ले आते। अरे पापा, वो सब भी पहले से ही फटे हुए थे। अरे तो उधर उधर देखते, वहीं कहीं पड़ा होता फटा हुआ हिस्सा। पापा मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तो रोज बेटा, अब हम कैसे नंबर मिलाएंगे ये बताओगे मुझे? पापा मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर हम अलग अलग नंबर डायल करके ट्राई करें तो? वाह क्या कमाल आइडिया, अंदाजा भी है कितनी कॉलें करनी पड़ेंगी। 999 कॉल करनी पड़ेगी बेवकूफ। सॉरी पापा, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या क्या नंबर मिलाऊं मैं? पापा पहला नंबर मिलाइए 5, ये मेरा और बिस्मा का लकी नंबर है। फिर आप नंबर मिलाइए 2, ये बिस्मा की चूड़ी का नंबर है। फिर आप नंबर मिलाइए 9, ये बिस्मा की सैंडल का नंबर है। 9 नंबर के सैंडल से मुंह पे जूता मारूंगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। एक तो नंबर अधूरा लेकर आए, ऊपर से मशवरा ऐसे दे रहे जैसे मरीज पे जिंदगी इन्होंने दरियाफ्त की है। मैं पहले 777 मिलाऊंगा, ये मेरा लकी नंबर है। पापा बेल जा रही है, बेल जा रही है। मुझे भी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, आपका मुकेम्बो खोया है? अबे मुकेम्बो को तो 1987 में अलीन कपूर ने मार दिया था, पागल हो गया क्या? रग फोन, शायद रॉन्ग नंबर था। तुम कौन सा नंबर बोल रहे थे? 529 529। वैसे तो किस्मत तुम्हारी भी फूटी हुई है, लेकिन ट्राई करने में क्या। हेलो, मैं हशमत बात कर रहा हूँ। अबे कौन हशमत बकवास? अरे सर, घर में माँ बहन बेटी है, बहू है, तो वो फोन की नहीं, फोन पे फोन किए जाते ना, दिन देखते ना रात देखते, रखते फोन, मैं कहती हूँ फोन रख, बेटा खुदा की कसम फोन में से निकल के मैं तेरा गला दबा दूंगी, रखता है रख। ये अजीब लोग हैं, कौन तंग कर रहा था, मुझे झाड़ दिया बिलावा था। पापा पापा, लगता है कोई लेडीज थी। तुम्हें बड़ी दिलचस्पी हो रही है, घुस जाओ फोन में, घुस जाओ। बहरोज बेटा, अगर नंबर नहीं होगा तो इनामी रकम नहीं मिलेगी। अरे पापा बस, अब मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, आप बराए करम मेरे हिस्से का जो 5% है ना, वो मुझे इनायत कर दे। हाँ, फसल होगी नहीं, अनाज मांगने भिखारी पहले आ गए। मुझे तुम्हारी नियत पे पहले ही शक था, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारा सबर आजमा रहा था। अब मैं तुम्हें अपनी पार्टनरशिप से आग करता हूँ, इनामी रकम का सारा हिस्सा मैं खुद रखूंगा, तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। अरे पापा, मुझ पे ये जुल्म और सितम ना करें प्लीज। नहीं 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 नहीं, अब तुम नाक भी रगड़ लो तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। हेलो, क्या है बे? नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने सिर्फ हेलो बोला है अभी, और इतनी रात नहीं हुई है कोई। अच्छा चलना, मूड है तो आ जा। इस बात का मूड है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? रखो फोन, बेवकूफ कहीं के। उज़्मा, उज़्मा, जल्दी आओ भाई, तुम्हारे दोनों खूबसूरत बकरे आ गए भाई। जी जी आ रही हूँ। अरे आओ ना भाई, जल्दी आओ, कहाँ रह गई तुम? अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे बकरे है ना। कितने के मिले? बस मिल गए भाई। हैं? मिल गए क्या? सड़क से उठा के लाए? मिल गए भाई। हाँ, सड़क से उठा के लाए हो। सुल्ताना वाकई को सड़क से उठा के लाए? अरे नहीं भाई, मैं जा रहा था सड़क के किनारे, छोटी मंडी लगी हुई थी, मैंने सोचा जब यही इतनी अच्छी मंडी लगी हुई है, नस्ली बकरे मिल रहे हैं, तो इतनी दूर कौन जाए। किरण, तुम्हारी कब आ रही है गाय? गाय आएगी ना तो सब देखेंगे, इतनी ऊंची होगी कि कोई छू भी नहीं पाएगा। अपने कद के हिसाब से मंगवाएगी गाय भी। फिरोज देखो इनको मुझे क्या बोल रही है, और तुम किसी से डर रहे हो? वो कुत्ते से। अरे बेगम, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मुझे कुत्ता खा देगा, प्लीज मुझे साथ लेकर जाए। मेरा ख्याल है कि अब ये डिसाइड करना चाहिए कि इन दोनों को टहलाने कौन लेकर जाएगा। मैं टहलाऊंगी, और एक को मैं टहला लूंगी। और बिस्मा, जब मैं बकरे को टहला रही हूँ ना, तो बेटा तू मेरी एक एल्फी ले लियो। अम्मी एल्फी नहीं, सेल्फी होता है, और सेल्फी खुद ली जाती है, कोई दूसरा नहीं लेता। वैसे भी मुझे इन बकरों को टहलाने का कोई शौक नहीं। लो भाई, इनका तोपड़ा क्यों सूज गया? अरे अम्मा, इनके बकरे जो नहीं आए। अरे भाई, रस्सी जरा मजबूती से पकड़ना, कहीं ये रस्सी छुड़ा कर ना भाग जाए। जो की चलाए कोई चंतर, खिलेगा तेरा अंतर, तू आ जा गुरु मंत्र। मुकेम्बो जी, आपको एक बार आपके मालिक के पास पहुंचा दूं, आपको आपके दर्द से आजादी मिल जाएगी, और मैं अपनी बिस्मा के साथ थाईलैंड चला जाऊंगा। हे मुकेम्बो। अरे बरोस बेटा, आप यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं भाई?
कुछ नहीं पापा, इस बेचारे बेजुबान का दर्द समझने की कोशिश कर रहा था मैं। समझ लिया आपने इसका दर्द? जी जी पापा। आप उठो और दफा हो यहाँ से। पापा आपको मैं एक बात कहूँ, पापा मुझे नहीं लगता कि इस कुत्ते पे कोई इनाम विनाम हो। आप एक काम करें, आजाद कर दे इस बेचारे को और अपना बैलेंस भी जाया ना करें। मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा, बड़े आए नजूमी के लात। उठो यहाँ से, दफा हो यहाँ से, हमें सिखा रहे, दफा हो यहाँ से। अगर फोन नंबर नहीं भी मिला तो मैं इस कुत्ते की नस्ल आगे बढ़ाऊंगा। एक से दो कुत्ते, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह कुत्तों का फार्म हाउस होगा। बहुत क्यूट है भाई, आओ तुम्हें सुल्तान को छोड़ो। अगर होश में हो ना तो अपने कान खोल कर सुन लो, मुझे भी बकरा चाहिए। बकरा? पर क्यों? चलो किरण भाभी की तो खैर है, मुझे उनसे कोई मसला नहीं, लेकिन उज्मा भाजी मुझे जला रही हैं। उनके दो दो बकरे हैं इसलिए। बेबी तुम्हें तो मेरे हालात पता ही है, मैं बकरा कहाँ से लेकर आऊंगा? मुझे नहीं पता, बस मैंने कह दिया मुझे बकरा चाहिए, बस। तुमने देखा था उज्मा को किस कदर इतरा रही थी? अरे बेगम अगर वो इतरा रही है तो उसे इतराने दे। आप इस बार देख रही महंगाई किस कदर हो गई है। अरे मेरे पास तो बकरे तक के पैसे नहीं है और आप गाय की बात कर रही है, कहाँ से आएगी गाय? मैं बात नहीं कर रही हूँ, इस ईद पे या तो गाय आएगी या फिर तुम्हारी मौत। ये तो आपने बड़ी अजीब और गरीब किस्म की चॉइस दी थी। सुल्तान मैं आपका हशर खराब कर दूँ अगर आपने हस्बैंड अंकल को सही पैसे बताए तो। यहाँ सबको लगता है आपके पास बहुत पैसा है। आप फिक्र ही ना करें, इस बार मैं हशमत अंकल को ऐसे 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 घुमाऊंगा कि आप देखती रह जाएंगी। ऐसे 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 आप हशमत अंकल को घुमाएंगे, हशमत अंकल आपको घुमाएंगे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी बहरोज अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया और उसकी वजह से जेल गए तो। अरे बीबी मैं जहाँ इस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ और फिर तुम्हारे लिए बकरा भी तो लेना है ना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन काम होशियारी से करना। अरे बीबी तुम्हें मुझ पर फखर होगा, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गाड़ी ले लूंगा। बस बस, ज्यादा शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। बेगम आप जो करना चाह रही है वो कुर्बानी नहीं दिखावा है। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अरे वाह 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 वाह, क्या शेर कहा आपने, जबरदस्त मजा आ गया। मैं क्या तुम्हें मजाक करती हुई दिखाई दे रही हूँ? खड़े हो जाओ, जाके गाय का बंदोबस्त करो। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बाहर टॉमी है, कुत्ता है। तुम जाते हो या नहीं? ठीक है मैं एक शब्द में जाऊंगा, आप मुझे वो कॉर्नर छोड़ाएंगी। चलो बेगम अगर आप साथ चलती ना तो बिल्कुल खूबसूरत तरीन बकरा लेकर आता मैं आपके जैसा। क्या मेरे जैसा? क्या मतलब? मतलब ये कि ऊंचा ऊंचा लंबा 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 ऊंचा लंबा। बेवकूफों वाली बातें मत कर, ये घर इस लाइक नहीं है, यहाँ पे खूबसूरत चीज आ सके। माशाल्लाह कितने प्यारे बकरे हैं, दोनों ही वाइल्ड हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? है भाई कोई तो बात करो, मैं ही बोल दो भाई, मैं कर लो। अरे सुल्तान कहाँ जा रहे हो तुम? अरे भाई मैं इनके लिए चारा लेने जा रहा हूँ बकरों के लिए। अरे एक काम करो पैसे मुझे दे दो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मैं ले आऊंगा। नहीं भाई नहीं, मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं है, मैं खुद ही लेके आ जाऊंगा इनका चारा। भाई बहुत छोटी बात कर दी भाई तुमने। हाँ ये बताओ बकरे कितने के मिले? दोनों बकरे 30,000 के। क्या बहुत सही कीमत में मिल गया भाई, क्या सदके के बकरे? क्या हो गया, खुदा को माने भाई ये सदके के बकरे नजर आ रहे हैं आपको? तुम खुदा को हाजिर नाजिर जानते हो, बताओ तुम्हें ये दोनों बकरे 30,000 के मिले हैं? हाँ भाई 30,000 के मिले हैं भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है भाई। कमाल है भाई, इसको इतने सस्ते बकरे कैसे मिले? खैर सबका फायदा हो जाए है भाई। क्या बात है भाई, सुल्तान अच्छा आदमी नहीं है? नहीं है। मुगेम्बो काश मैं तुझे पकड़कर तेरे मालिक के पास छोड़ा सकता, अगर तू खतरनाक नहीं होता मैं तुझे जीव पकड़ता और जीव करके छोड़ा था। इधर क्या कर रहे हो? अरे शरीफ भाई कुछ नहीं, मैं इसके साथ खेल रहा था। अबे तो सामने जाके खेलो ना, पीछे छुप के क्या खेल रहे हो? मैं छुपन छुपाई खेल रहा था। अच्छा छुपन छुपाई खेल रहे थे, आओ अब खेलो छुपन छुपाई। टॉमी मेरा मुन्ना, इधर आ इधर आ। टॉमी टॉमी अस्सलाम वालेकुम, आज ही आपने एक इश्तिहार दिया था जिसमें आपका कुत्ता गुमशुदा हो गया और आपने इनामी रकम 1,00,000 रुपए का ऐलान किया। नहीं मैंने तो कोई इश्तिहार नहीं दिया। लेकिन नंबर तो यही है। क्या हो गया, मेरा कुत्ता नहीं बेटा गायब हुआ है। गौर से देखें, आपने गलती से बेटे की जगह कुत्ता छाप दिया। अबे चुप, बुड्ढा पागल सनकी बेटे को कुत्ता बोल रहा है, रख फोन। देखे देखे आप उस पर चिल्ला नहीं सकते, मैं आप पे केस कर दूंगा। भाई बदतमीज लोग हैं, बात करने की तमीज ही नहीं। कुछ तो है, कुछ तो है।
तुम्हें क्या हो गया भैया अचानक से? पापा मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। आप शेरी के कुत्ते का सौदा कर रहे हैं, मतलब आप इस हद तक गिर सकते मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कुत्ता गुमशुदा है, इसके ऊपर इनामी रकम है। मैं जायज तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोचा करो। तो चलो फिर ठीक है, फिर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और अगर आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं शेरी को बना दूंगा। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? नहीं नहीं, मैं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, लेकिन औलाद का बाप के पैसों पर हक बनता है ना, मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। तुम्हारा कैरेक्टर तो ऐसा नहीं था, यकीनन तुम्हें किरण पट्टियां बढ़ा रही। नहीं नहीं पापा, ये सब तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अच्छा इधर आओ, एक मिनट नीचे। वही पता आप मुझे मारेंगे? अरे नहीं भाई, जवान औलाद को कौन मारेगा। ये देखो ये ऐप मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने आज ही डाउनलोड कर लिया, देखो जरा ये वाला। अरे पापा इसमें बोला है, बोला बाप को ब्लैक नहीं करो, अपने बाप को ब्लैक करो। दबाओ दबाओ, ये ब्लैक मेल कर रहे हैं, हिस्सा चाहिए। या अल्लाह मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया, मेरे दोनों बकरे चोरी हो गए। या अल्लाह मेरे दोनों, क्या हो गया सुल्तान, किस बात की चिकन चिल्ली है, क्यों शोर मचा रहे हो तुम? अरे भाई मैंने छत के ऊपर दोनों बकरे बांधे थे, दोनों की दोनों चोरी हो गए। नहीं नहीं चोरी नहीं हुए, मैंने तुम्हारे बकरे बेच दिए। क्या कुर्बानी के बकरे बेच दिए? देखा मैंने आपको कहा था ना इनसे बच के रहे, ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सुल्तान ने बकरे 30,000 में खरीदे थे, मैंने ऑनलाइन 50,000 में बेच दिए। या अल्लाह मैंने तो एक बकरा 50,000 का खरीदा था, आपने दोनों 50,000 के बेच दिए। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे दोनों बकरों की कीमत 30,000 रुपए बताई थी। अरे वो तो मैंने इसलिए बताई थी ताकि आप ये ना समझे कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत माल है, बहुत रकम है। अब तुम्हारी इस घटिया सोच की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, मैंने तो बकरे प्रॉफिट के अंदर बेचे, बल्कि तुम्हारा प्रॉफिट मेरे पास है। ये लो 35,000 रुपए 5,000 प्रॉफिट के साथ। क्या इसमें भी 15,000 रुपए आपने रख लिए? आखिर मेरी कंसल्टेंसी कंपनी है, मुझे अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखना पड़ता है। मिल गया सुकून आपको सुल्तान को ठगकर। मुझे ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, अगर सुल्तान झूठ नहीं बोलता तो बकरे बच सकते थे, मैंने तो फेयर गेम खेला। या अल्लाह मेरा 65,000 का नुकसान हो गया, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अब तक 450 रॉन्ग नंबर मिला, मेरा सारा बैलेंस खत्म हो गया, सिर्फ एक बार सही नंबर मिला था, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो हेलो जी, आपने किसी कुत्ते की गुमशुदगी का इश्तेहार दिया था मुगैम्बो नामी? जी जी मेरे मुगैम्बो आपके पास है? जी जी मेरे पास ही है, इंतहाई सेहतमंद है, बिल्कुल खैरियत से मेरे पास ही है। अपना एड्रेस बताएं, मैं आते हैं उसको लेने। जी जी लिखिए, गुलिस्तान जौहर। जी सर, आप मुगैम्बो के मालिक बात कर रहे हैं? सर आपका कुत्ता मेरे पास है, एड्रेस नोट करें, गुलिस्तान जौहर। मेरा टॉमी कहाँ गया? अरे चुप करो भाई, यहीं कहीं होगा, घर में नौसत पिला रहे। पापा सारा का सारा घर छान मारा, लेकिन कुत्ते का कहीं पता नहीं मिला। सुल्तान आज तुम्हें कुछ पता चला? चप्पा चप्पा देख लिया, जानवर का पूरे घर में कोई पता नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है इस घर में, कुत्ते गायब हो रहे, बकरे गायब हो रहे। चुप करके खड़े हो जाओ वरना तुम्हें भी गायब करा दूंगा। अरे ढूंढो यहीं कहीं होगा, इतना सा कुत्ता कहाँ जाएगा, कहीं दराज वराज में घुस गया होगा। इतना सा कुत्ता, कुत्ते को तुमने चूहा बना दिया। जिसने छुपाया बता दो, वरना बहुत बुरा होगा, मैं बता रहा हूँ। अरे इतने से कुत्ते के लिए सब इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। देखो मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जिसने भी कुत्ता छुपाया अभी सामने ले आया, वरना मैं आईजी साहब को बुलवा लूंगा। हशु आपको मुझ पे भी शक है क्या? तुम कहाँ की मलका लगी हुई जो तुम पे शक नहीं कर सकते? मैं 3 तक गिनूंगा और आईजी साहब को बुला लूंगा, 1 2 3। अरे वाह आजी साहब की तो बहुत क्विक सर्विस है, ये तो जकूटा जिनसे ज्यादा तेज है। आजी साहब के लिए तालियां। अबे चुप हशमत, तू जहाँ जहाँ 2 नंबरी की सोचेगा वहाँ वहाँ मैं आ जाऊंगा। नहीं आजी साहब मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की, मैं तो 2 नंबरी से रुकवाने के लिए आपको बुलवाने वाला था। तो चुप कर, मेरे मुगैम्बो कहाँ है? वेयर इज माय मुगैम्बो? और हशमत कौन है? माय नेम इज हशमत, लेकिन तुम पुलिस को साथ लेके क्यों आए? मैं पुलिस को लेके नहीं आते, अगर मुझे एक ही घर से 2 फोन नहीं आते। 2 फोन? एक फोन तो मैंने किया था, दूसरा किसने किया? दूसरा किसी बेरोज ने किए थे। बेरोज? तू अपने बाप की पीठ में खंजर घोप रहा था, बेगैरत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बा ये सब क्या चक्कर चल रहा है? अबे अश्मत तू ये बता कुत्ता कहाँ छुपा रखा है? अरे आजी साहब मुझे नहीं पता, कुत्ता भाग गया होगा, बड़ा ही कैरेक्टरलेस किस्म का कुत्ता था। इतने इंसानों के होते हुए एक पालतू कुत्ता कहाँ जा सकता है? वो शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, इसलिए वो निकल गया फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर। मेरा मुगैम्बो नहीं भाग सकते? क्यों, वो सिगरेट पीता है क्या? अबे चुप करो। तुम वही है ना जो पोस्टर लेके जा रही थी?
तुम ही हो किडनैपर, अजी साहब इसको गिरफ्तार करें, इसने मेरे मुकैम्बो को किडनैप किया है। अरे भाई हमने उसे किडनैप नहीं किया, हम सब तो उसके कहते करें। बहरोज मैंने तुम्हें कहा भी था काम होशियारी से करना, लेकिन हो रहा तुम हशमत अंकल का खून, कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। तो तुम लोग मिले हुए थे? चल भाई तू मेरे साथ थाने चल, तूने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, तूने जानबूझकर कुत्ता छुपाया था ना कि उसके पैसे बढ़ा सके तू है। चल भाई थाने मेरे साथ। अरे नहीं नहीं आजी साहब मेरी बात सुनो। अबे तू थाने चल मेरे साथ, थाने की रजाई तेरा इंतजार कर रही है। अरे चल थाने। मेरी बात सुनो आजी साहब, आजी साहब मेरी बात सच सच बताए, वेयर इज माय मुकैम्बो? मुकैम्बो माय लव, कहां है मेरे मुकैम्बो, कहां छुपाया मेरे मुकैम्बो को, कहां है मुकैम्बो, मुकैम्बो माय लव वेयर आर यू, ओ मुकैम्बो डियर लॉर्ड यहाँ छुपा के रखे हैं। Oh Mukembo, my love, you terrorist! नहीं नहीं हमने नहीं छुपाया था, बहुत प्यार से रखा था हमने इसको तो। You hijackers, I will sue you. अरे नहीं नहीं आप इससे पूछा, हमने इसको बहुत संभाल के बहुत प्यार से रखा था। Mukembo बताएं this guy. Oh, you look like a nice guy. Thank you my friend. ये ले 1 lakh. This one's for you. Thank you, thank you. Thank you. Oh my love. Oh Mukembo. Thank you guys. Thank you. Oh my love. 1 lakh. 1 lakh. अबे देखा है 1 lakh. 1 lakh. Check. 1 lakh का. No. अरे भाई बहुत ही कमाल बच्चा था, आजी साहब के सामने मुझे माफ करके चला गया और कह रहा है इनामी रकम का चेक ऊपर देकर गया हूँ, कहाँ है चेक भाई? किसने मारा? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक मौका आया था पैसे कमाने का, वो भी तुम लोगों ने जाया कर दिया। सारी तो भैया ला, भैया, भैया, भैया,